सुप्रभात बच्चों, आज हम लोग हिंदी की किताबें पढ़ेंगे। इसका पहला पाठ है वर्णमाला। पहले हम ये जानेंगे वर्णमाला हम कहते किसको है। तो वर्णों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं, या अक्षरों के समूह को हम वर्णमाला कहते हैं। वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। अ आ ह्रस्य ई दीर्घ ई ह्रस्य उ दीर्घ उ ए ऐ ओ औ अं आ, ये हो गया हमारा स्वर वर्ण। और क ख ग घ र, च छ झ झ ट ठ ड ढ त थ द ध न, प फ ब भ म य र ल व तलबिष मृदंश दंश ह अक्ष त्र ज्ञ, ये हो गया हमारा व्यंजन वर्ण। और ये श्र ड ढ, ये हो गया अतिरिक्त वर्ण। तो बच्चों, वर्ण दो प्रकार के होते हैं, स्वर वर्ण और व्यंजन वर्ण। और कुल मिलाकर वर्णों की संख्या है 52, उसमें से 13 स्वर वर्ण और 35 व्यंजन वर्ण, और 4 जो है वो संयुक्त व्यंजन वर्ण है। तो बच्चों, आज के लिए बस इतना ही। आप लोगों को कल याद करके लाना है कितने वर्ण कितने प्रकार के होते हैं, वर्णों की कितनी संख्या होती है, स्वर वर्ण की कितनी संख्या होती है, व्यंजन वर्ण की कितनी संख्या होती है। धन्यवाद।